ਸਾਡੀ ਦਾਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਇਸ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ यमदा पगला दीवाना देखकर हम सब दीवाने हो गए और हंस के लोटपोट हो गए और अब तैयार है यमदा पगला दीवाना 2। और इस वक्त मेरे सामने दो हसीना ऑफ कोर्स मूवी के डायरेक्टर संगीत जी हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या खास है इस मूवी में। आपसे जानना चाहूंगी शुरुआत कैसे हुई यमदा पगला दीवाना 2 की। ओह नाउ दैट इज अ सी आई वाज सिटिंग विद धर्म जी ऑन अ डिफरेंट सब्जेक्ट व्हेन आई वाज आस्क्ड टू यू नो whether you can be whether you're willing to do a Yamla Pagla sequel. Now I was very very happy, but at the same time I said now what is the story, because I had said no to two of my earlier sequels, which is Apna Sapna and Kya Cool Hai, because I did not have a subject, as simple as that. So this time it was someone else's successful property being given to you, so the responsibility was double. So we took about two and a half months to actually get up a story which we felt was as good or better than the first part. So only after that did we agree to come on board and start writing. तो अब बात करते हैं नेहा शर्मा जी से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तो उनके रोल के बारे में जानते हैं थोड़ा उनसे। मैं इस फिल्म में सुमन का किरदार निभा रही हूँ, ऐसा किरदार जो मैंने पहले कभी नहीं निभाया है। बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए क्योंकि बिल्कुल नया स्पेस था मेरे लिए। सुमन मेरे हिसाब से थोड़ी पागल है, मैं कहूँगी थोड़ी सी डम है और बहुत फनी होती है, जिस तरह से वो चीज़ें समझती नहीं है, उसके सवाल बहुत फनी है। सलमान की फ़ैन है पागलों की तरह, उसकी फिल्में देखी है कुछ 400-300 बार, इस तरह के उसका रिकॉर्ड है। अभी भी वो चिट्ठी लिखेगी और कबूतर के थ्रू अपने प्रेमी को भेजेगी, और व्हेन शी इज़ विद अ गाय शी इज़ इन लव विच शी विल हैव लाइक तेरे नाम प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड स्टफ, सो शी इज़ वेरी फिल्मी। आपसे जान के तो पता चल रहा है कि आपका जो रोल है काफ़ी क्रेजी है, तो रियल लाइफ में और आपके रोल में कितना कुछ सेम है? इसमें मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुमन बिल्कुल पागल है और वो किसी के पीछे यू नो त्रिशूल लेके बीच सड़क पे दौड़ना शुरू कर देगी, मैं वो कभी नहीं करूँगी। लेकिन आई थिंक एक सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, मी एंड सुमन बोथ आर सलमान खान फैंस। तो आप चलते हैं क्रिस्टीन के पास, सो हाउ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सानी बॉबी एंड धर्म? It was absolutely amazing. You know, I knew of them before I got the film, and I did watch the first YPD, so I knew like, you know, just the name of the Dior family in the industry and what that meant and how respected they were and such an iconic family. So for me, it was an absolute honor, and I was opposite Sunny, and you know, he's like known to be quite a shy guy, but then in front of the camera, he just sort of lights up, and with all our scenes, it was like a very give and take as well. Like he was always open to my ideas, which I really appreciated. एक बहुत बढ़िया सा गाना था इस मूवी में, अगर वो स्टेप आप हम सबको दिखा दे तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। हाँ सी थैंक यू सो मच। तो ये थे डायरेक्टर ऑफ फिल्म की हसीना है, जो काफ़ी एक्साइटेड है इस मूवी को देखने, तो आप भी देखिए यमला पगला दीवाना 2 7 जून को। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ रूपल, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।